Hello everyone, welcome to our YouTube channel PG Pharma Gyan. My name is Prakhar Gupta. Friends, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जो कि ऑन डिमांड मैं वीडियो बना रहा हूँ. कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट करके मुझसे पूछा कि सर शॉर्ट टाइम में हम कैसे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बुक्स बताने वाला हूँ जो कि आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि ऑलरेडी आपका एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, मार्च में आप लोगों के फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं, तो उन एग्ज़ाम्स की शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप लोग कैसे जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके लिए कुछ मैंने ऑथेंटिक ऑथर्स की कुछ बुक्स सिलेक्ट की हुई है जो कि एज़ पर द पीसीआई सिलेबस जिन बुक्स को प्रिपेयर किया गया है और बहुत ही यूनिट वाइज एंड कंसाइज कंटेंट उसमें आपको मिल जाएगा. सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा बीफॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो 7 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट. इसके अलावा 3 सब्जेक्ट और होते हैं जो कि आपकी यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट होते हैं, रेमेडियल बायोलॉजी, रेमेडियल मैथमेटिक्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. सो रेमेडियल बायोलॉजी उन स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है जिन्होंने अपनी 12th जो स्ट्रीम है 12th को मैथमेटिक्स स्ट्रीम से किया हुआ है, और रेमेडियल मैथमेटिक्स उन स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है जिन्होंने अपनी 12th बायोलॉजी स्ट्रीम से की होती है, और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स जो है जो कि कॉमन सब्जेक्ट होता है. सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर हम लोग फार्मास्यूटिक्स की सीरीज की आपको लेक्चर वीडियोस कंटिन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं. इसके साथ साथ आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड भी वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी. सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं कि ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं. सो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली बुक है आपकी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए, जो कि डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार के द्वारा लिखी गई है, और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बाय पुष्पेंद्र कुमार, यह बुक काफ़ी बहुत अच्छी बुक है. पर्सनली मैं खुद इस बुक को रेफ़र करता था जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था. और फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर इन बुक्स के कवर पेज को देख सकते हैं, सो आप लोग इजीली इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सी बुक्स हैं. इसके अलावा मैंने इन बुक्स की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक्स भी दी हुई है. यदि आप लोग चाहते हैं इन बुक्स को परचेज करना तो आप उन लिंक्स पर क्लिक करके इन बुक्स को डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं. इसके अलावा सेकेंड जो बुक है फ्रेंड्स, वो है आपकी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय ज्योति गुप्ता. थर्ड जो बुक है वो है फार्मास्यूटिक्स-I एज पर पीसीआई सिलेबस बाय संजय आलम. इसके बाद आपकी जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बुक है वो लिखी हुई है बाय महेश प्रसाद. इन सभी बुक्स के आपको कवर पेज आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहे होंगे, तो आप लोग देख सकते हैं. इसके बाद जो हमारे 3 यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट हैं, रेमेडियल मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर HR बापकर एंड रेमेडियल बायोलॉजी, ये बुक्स भी आपको इसका कवर पेज आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट बुक हमारी है कम्युनिकेशन स्किल्स की, यह बुक भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है. ये काफ़ी कंसाइज बुक्स हैं. इन बुक्स को एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यदि आप इन डेप्थ एंड थॉरो स्टडी करना चाहते हैं, कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं, तो आई विल नॉट सजेस्ट दोज बुक्स, बिकॉज ये बुक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हैं. मींस हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको मार्क्स लाना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक्स इंपॉर्टेंट है. बट यदि आप कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं, इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं सब्जेक्ट वाइज सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं स्टैंडर्ड बुक्स सजेस्ट करूंगा. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और जाते जाते बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, अच्छे से तैयारी कीजिए, और यदि कोई भी डाउट्स है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और वहां पे पर्सनली आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज. थैंक यू.